नहीं देखे होंगे जो आईएल का है वहाँ भी जो है सभी जामताड़ा सही है, शायद आप ही लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ भी 17 मेंबर है, यहाँ भी 17 प्रोजेक्ट पूरा काम हो रहा है। आईआर कहाँ बोले, रजरप्पा प्रोजेक्ट बन रहा है और यहाँ पे कठारा में बन रहा है। देखिए ना सारा का सारा मेरे पास है। अच्छा देखिए और सबको दिखाइए भी। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जोहार, प्रणाम। कैसे आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। तो अभी देख सकते हैं अभी हम रोड में शूट कर रहे हैं वीडियो, हम लोग जा रहे हैं कठारा और वहाँ जो भव्य पंडाल बनता है कठारा में दुर्गा पूजा पंडाल, तो वहाँ पे अभी हम लोग जाके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ हैं महेश जी, तो देख सकते हैं इधर पीछे जो है अभी हम गोमिया छोड़ चुके हैं और इधर, और आज है 28 तारीख, कला स्थापना जो है 3 तारीख से स्टार्ट है। तो दोस्तों अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे आईएल का दुर्गा पंडाल तो जाके देखिए, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हो सके तो हम डाल देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं हम और महेश, कठारा जो पूजा पंडाल है वो काफ़ी बेहतरीन, वहाँ पे प्रत्येक साल वहाँ पे सजावट जो डेकोरेशन है काफ़ी शानदार रहती है। तो शायद उम्मीद करते हैं इस बार भी जो है डेकोरेशन काफ़ी शानदार रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं, वहाँ जाके आप लोगों को रूबरू करवाते हैं और वहाँ से जो मैनेजमेंट है वहाँ से बातचीत करते हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। BTPS तो हम लोग नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं कठारा। देख सकते हैं हम लोग जो कठारा जो मेन चौक है हम लोग आ गए हैं और थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ पे मेला लगती है, पंडाल भव्य तरीके से बनाया जा रहा है काफ़ी बड़ा। उस दिन बहुत भीड़ रहता है क्या महेश? बहुत ज़्यादा, काफ़ी भीड़ रहता है, मज़ा भी आता, लोकेशन भी बढ़िया लगा, पूरी तरह से बनी नहीं है ना। हाँ
तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ है मेन गेट, मेन रोड के बगल में ही। यहाँ पे हम लोग कहीं बाइक को पार्क करेंगे, शायद अंदर ही घुसा देंगे बाइक को हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे कैंपस में एंट्री कर चुके हैं, जहाँ पे पूजा पंडाल बन रहा है। देख सकते हैं हम गेट से अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे मेला लगती है और जहाँ पूजा पंडाल बन रहा है भव्य तरीके से। तो चलिए चलते हैं और कुछ कमेटी मेंबर से बातचीत करते हैं और कितना पूरा हुआ है पंडाल, दुर्गा पंडाल कितना बन के रेडी हुआ है, कितना बाकी है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। इधर जो देख सकते हैं, इधर चारों तरफ इधर कहीं जगह नहीं रहता है पूरा, इधर दुकान जो है साइड साइड से लग जाता है। और इधर भी देख सकते हैं, इधर भी दुकान जो है पूरा भीड़ भाड़ रहती है, तब कुल मिला के देखा जाए तो। यहाँ हम आए हैं, पिछला वीडियो बना चुके हैं दुर्गा पूजा का, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं दुर्गा पूजा 2023 का। तो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे होता है, हम जहाँ तक मानते हैं। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कौन सा पूजा पंडाल अच्छा लग रहा है, आईएल का लग रहा है या तो फिर कठारा का, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। देख सकते हैं भाई लोग उतना ऊपर में है काम कर रहे हैं, फिर भी हमको शायद पहचान नहीं है, हाय हमको कर रहे हैं। देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है जो बांस और जो बीट का लगा हुआ है, अगर इसमें कपड़ा लगेगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा, थर्माकोल वगैरह सजावट होगा तो अच्छा लगेगा। तो आइए यहाँ पे कुछ यहाँ पे कारीगर से बात करते हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो बनाया जा रहा है पूजा पंडाल, जो यह डिज़ाइन है कहाँ से लिया गया, कौन सा डिज़ाइन बन रहा है, आप इधर थोड़ा सा कैमरा में देख के बताइए कौन सा डिज़ाइन बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे से बात करते हैं। अच्छा से काम हो रहा है ना? कितना देर में ये जो दुर्गा पंडाल जो है बन के रेडी हो जाएगा? एक महीना मतलब दुर्गा पूजा तक, मतलब दुर्गा पूजा तक बन जाएगा। और कब से ये शुरुआत हो गया बनने का? अच्छा अच्छा, कहाँ से आप लोग? 20 दिन हो गया, जमतारा से। जमतारा से तो आइए और किन्हीं से बातचीत करते हैं। देखिए भैया इधर काम कर रहे हैं, थोड़ा इधर दिखाइए। कैसे भैया, कहाँ से हैं, अपना नाम बता दीजिएगा। जामताड़ा से। तो आप लोग जो टीम में कितना मेंबर हैं? 17 आदमी हैं। और शायद पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, जो आईएल का है वहाँ भी जो है सभी जामताड़ा से ही है, शायद आप ही लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ भी 17 मेंबर है, यहाँ भी 17 है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो डिज़ाइन कौन सा डिज़ाइन बन रहा है, कौन सा? और देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा का यहाँ पे मूर्ति बनाया जा रहा है पूरा अच्छे तरीके से। अच्छा नमस्कार, कहाँ से हैं आप लोग? कोलकाता से हैं। कितना देर में तैयार हो जाएगा मूर्ति? हो गया है। इसमें अब क्या क्या चीज रह गया है बाकी? कलर चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा और कपड़ा वगैरह। तो देख सकते हैं कलकत्ता से आए हुए हैं मूर्तिकार और काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे मूर्ति का डिज़ाइन देख सकते हैं, और दुर्गा माता पैर वगैरह जो भी हैं। तो यहाँ खूबसूरती यहाँ पे देने का पूरा एकदम 100% दिया जा रहा है। आप भी कलकत्ता से हैं, कब तक तैयार हो जाएगा? मैं सपना 1 सप्ताह लग जाएगा, 3 तारीख को कला सपना है, उससे पहले हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा।
और इधर देख सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग किया जा रहा है। और यहाँ कमेटी मेंबर नहीं है, कमेटी मेंबर नहीं है, एक दो घंटा के बाद आएगा तो देखते हैं, कुछ देर रुकते हैं, अगर कमेटी मेंबर आएंगे तो बातचीत करेंगे उनसे, जानेंगे कितना बजट में कितना ये पंडाल बन रहा है। फिलहाल बात करते हैं जो यहाँ पे जो पंडाल बनाया जा रहा है जिनके जो हेड मेंबर हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए बाहर में खड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों जो पंडाल जो बना रहे हैं जो है मेंबर जो है हेड मेंबर उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए देख सकते हैं भैया इधर है बगल में, अरे भैया तो वही है जो आईएल में हम लोग मिले थे। कहा भैया नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बहुत भला चंगा मस्त मस्त है। और बताइए सब ठीक ठाक? एकदम इतना ठीक ठाक की कोई। अरे आप जब बोले हैं कि आईएल में भी बन रहा है आपका प्रोजेक्ट पूरा काम हो रहा है, आईआर कहाँ बोले? रजरप्पा प्रोजेक्ट बन रहा है और यहाँ पे कठारा में बन रहा है। देखिए ना सारा का सारा मेरे पास है। अच्छा देखिए और सबको दिखाइए भी ताकि आदमी को पता चले कैसे कैसे काम भी हो। एक लाइन में आप फिर से बता दीजिए यहाँ जो बन रहा है कितना बजट में बन रहा है। देखिए यहाँ बजट हमेशा थोड़ा कम रहता है। अच्छा अच्छा फोटो के अनुसार में। अच्छा इतना बजट में कहीं दूसरा जगह नहीं बन सकता है। अच्छा फिर भी अभी तत्काल 7 लाख में बन रहा है। 7 लाख में बन रहा है पूरा फिनिशिंग। 4 लाख में बनाने का इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। 4 लाख में इसको बना के खाली हम तैयार कर देंगे, इसमें कोई नहीं है खाली बनाना। तो एक तरह से माने 4 लाख में आप पूरा बना दे रहे हैं? हाँ, 4 लाख कपड़ा डिजाइन जो है पूरा कंप्लीट, लाइट वगैरह सारा जो भी। हाँ लाइट के काम से अपना अपना लाइट वाला रहता। अच्छा वो सब अपना रहता है। तो भैया को आप पहचान लिए होंगे, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो में भी आप इनको देखिएगा। आईएल में जब हम गए थे शूट करने तो भैया का वहाँ भी काम चल रहा है और काफ़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो देखिए ये जो डिजाइन है ये क्या चीज़ है? नीलैंड का होटल है, डिज्नीलैंड पार्क का है। डिज्नीलैंड पार्क, हाँ डिज्नीलैंड पार्क है, यहाँ लिखा भी है साफ साफ। पार्क एंड होटल दोनों है। हाँ, लंदन में है, लंदन का है सीन। नेट से सर्च मारिएगा तो उसको काट के बनाया जा रहा है, इसका बड़ा भव्य रूप है। हाँ लेकिन इसका स्पेस के अनुसार और बजट के अनुसार उसका बीच वाला डिजाइन जो काट के अच्छा निकाल के इसको बनाया। अच्छा अगर बड़ा रहता एरिया तो शायद अच्छा बनता पूरा फुल। हाँ बड़ा बनता, इसके लिए कम से कम 200 फीट जगह चाहिए। 200 फीट इधर पूरा उधर से घर तक चल रहा है। और यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा गार्डन टाइप का बना हुआ है, बहुत अच्छे बजट में 25-30 लाख का बजट में होता। अच्छा गार्डन भी यहाँ पे क्या गार्डन भी बनेगा क्या? गार्डन में सजेगा उसमें, जब लाभ कुछ होता है तो यहाँ साइड साइड में धरना वगैरह भी लगेगा। ये वाला ये वाला ये वाला ये बन रहा है आपका रजरप्पा प्रोजेक्ट, ये रजरप्पा प्रोजेक्ट बन रहा है। हालांकि वहाँ अभी हम नहीं पहुँच पाएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग के लिए रजरप्पा प्रोजेक्ट भी कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा प्यार दीजिएगा तभी हम जा पाएंगे। तो हम आप यही जानना चाहेंगे ये जो बन रहा है कितना दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? दुर्गा पूजा तक ही कंप्लीट होता है ना, पंचमी तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। पंचमी तक सारा कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको क्या बोलते कलर थप्पा पहले कर देगा। अच्छा आप कहाँ से दादा? हम यहीं मेरा दुकान है। अच्छा आप स्थानीय आदमी हैं तो बताइए यहाँ पे कैसा उम्मीद करें कैसा रहेगा यहाँ पे? बहुत अच्छा है, प्रत्येक साल के भांति इस बार कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ थोड़ा सा बोलिए कि जो आना चाहते हैं आइए, अच्छा मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला लगेगा यहाँ, है ना? 2010 से 2010 से यहाँ कंप्लीट भीड़ रहेगा ना। अच्छा कंटिन्यू बना रहे हैं 2010 के बाद यहाँ से, मतलब 2010 से कंटिन्यू बनाते आ रहे हैं। इसके पहले कोई टीम वाला अगर बनाया होगा तो लोकल। सबसे बड़ी बात है दोस्तों 2010 के बाद जो है भैया कमान यहाँ पे संभाल रहे हैं, ये इधर लोकल जो है कठारा हो गया। आईएल में भी क्या? आईएल में भी जो पिछला बार बना था आईएल में पिछला बार? अच्छा नहीं नहीं थे तो खैर छोड़िए। आईएल और राजरप्पा इस साल पहला बार बना रहे हैं लेकिन अगला साल बद्रीनाथ बनाए। कैसा लग रहा था तुम लोग को? कुछ बोलेगा इधर रूम में?
यहाँ का सबसे बदमाश लड़का। अच्छा अच्छा, नाम है तोलू। अच्छा, बदमाश भी बच्चे लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे, है कि नहीं? बना के जाइए और तोड़ने में सबसे माहिर है। फिट सब तोड़ के रख। नहीं नहीं, तोड़ना नहीं है, हम ही लोग ये ना बन रहा है, मेला लगे। अच्छा लड़का मयंक। अच्छा मयंक, ये हमको पानी पिलाता है घर से ला ला के, फ्रिज वाला पानी। तो आप लोग का यहाँ कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना है रहने खाने पीने में? परिवार जैसा हो गया रहा, 10 साल मतलब 2010 से लेकर 14 साल कंटिन्यू। तो आप लोग लगता है जैसे हम परिवार में ही है। अच्छा, आप जान से किसी से परिचित? जामताड़ा शायद ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग अलग जगह आ गए हैं, किसी तरह का टेंशन नहीं। बाहर से यहाँ आते तो लगता है कि यहाँ अपना घर आ, सबसे बड़ा वही चीज़ है ना। रायल में बना रहे हैं लेकिन जैसे कथारा पहुँचे तो लग रहा था हम घर आ गए हैं। अरे पुरियक में बना रहे हैं, चलिए हमारे यहाँ आए और ऐसा भव्य आप लोग पंडाल बना के जा रहे हैं, यादगार रहेगा और ये वीडियो में हमेशा रहेगा। ठीक है भैया, ठीक तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।